भिलाई तीन स्थित इंडस्ट्रियल पार्क में बढ़ती चोरी के कारण उद्योगपति इन दिनों काफी परेशान है। व्यापारियों की शिकायत के बाद भी अभी तक एक भी चोरी का पर्दाफाश नहीं किया गया है, जिस कारण से चोरों के हौसले और भी बुलंद हो चले। भिलाई तीन स्थित इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्क में 250 प्लॉट उद्योगपतियों को आवंटित किए गए हैं, जिसमें से लगभग 150 उद्योग सुचारू रूप से चालू हैं, लेकिन ये 150 उद्योग कब तक चालू रहेंगे कहा नहीं जा सकता। इसका कारण है यहाँ पर बढ़ती चोरी। इंडस्ट्रियल पार्क में चोरी की वारदात इतनी बढ़ चुकी है कि व्यापारी को फायदे से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से नजदीकी थाने में दर्ज भी की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परेशान उद्योगपतियों ने रेंज के आईजी का दरवाजा खटखटाया है ताकि निसंकोच होकर उद्योगपति अपना व्यापार व्यवसाय कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर प्रशासन के द्वारा चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो फैक्ट्री बंद करनी होगी, साथ ही उस क्षेत्र पर रोजगार का भी खतरा मंडराने लगेगा। वहीं रेंज के आईजी से मुलाकात के बाद उद्योगपतियों के द्वारा बढ़ती चोरी और नुकसान को लेकर अपनी आपबीती ग्रैंड एशियन न्यूज़ के समक्ष बयां की। क्योंकि चोरी की शिकायत मोस्टली पुलिस प्रशासन का काम है, इसलिए हमने पुलिस प्रशासन के रेंज के मुखिया उनसे मिलना चाहे। चोरी इंजीनियरिंग पार्क के भिलाई में इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें 215 यूनिट संचालित है, उसमें चोरी की शिकायत हो रही है और उसमें थानेदार कोई कंप्लेन लिख नहीं रहा है। एक आध तो मुश्किल से किए होंगे और किए भी होंगे नहीं किए होंगे, कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है, इसलिए शिकायत करने हमने यहाँ आए। चोरी एंगल चैनल सामान, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री परेशान, चोरी नहीं देखा जाए तो डकैती है। शासन दिया इसके हम कार्रवाई करेंगे। एक एक चोरी कैसे कैसे हुआ है, उसमें हमने 8-10-15 लोगों का ब्रेकअप दे दिया और तुरंत हमारे सामने फॉरवर्ड किए हैं एसपी साहब को और थानेदार को। अभी तक टोटल 1-1.25 लाख रुपए के बीच का नुकसान हो चुका है। टोटल 4 बार चोरी हुई है जिसमें से 2 बार थाने में कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक कोई रिसीविंग नहीं मिली है। हमारी मांग यही है कि इस पर इंक्वायरी की जाए और कार्रवाई हो, चोर भी पकड़े जाएं और ये चोरी की घटनाएं बंद हो। इससे जो है काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि हमने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, इतने बार चोरी हो रहा है तो नुकसान तो हम लोग को होता ही है बहुत ज़्यादा। तो देर सवेर इंडस्ट्री भी बंद होना चालू होंगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। चूँकि हम लोग, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और मैं इंजीनियरिंग करने कंप्लीट करने के बाद अपने प्राइवेट जॉब छोड़कर मैंने लोन लेकर मैंने एक फैक्ट्री का स्थापित की, ये सोचकर कि अच्छा भविष्य मेरा बनेगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे लगाया तो उसके बाद जब चोरी की इतनी घटनाएं हुई, मेरा सबसे आखिरी में है इंजीनियरिंग पार्क का सबसे कॉर्नर में मेरा प्लॉट है, सबसे पहला प्लॉट मेरा ही पड़ता है, तो वहाँ से उछाल के जितना भी जम भाई मैंने फैब्रिकेशन का स्टील है, लोहे का स्टील जो परचेस करके हम लाते हैं, वो वेल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और भी जो भी मशीन है सब उठा के ले गए। पहली बार चोरी हुई, कई बार घूमने के बाद उस समय FIR हुई है, मेरा 2-3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात है। उस समय FIR हुई पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर दोबारा एक बार चोरी हुई, फिर उस समय जो टेबल कुर्सी तक मेरे वो ले गए जितना जो ऑफिस का सामान था। लास्ट टाइम जो कुछ लोहा चोरी हुआ, लेकिन उस समय मैं कोविड के कारण मैं खुद भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में था, तो दो तीन बार तो मैं ऐसा हुआ कि चोरी वहाँ पे हुई, अब मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि मैं घर में अस्वस्थ था, अकेला हूँ काम करने वाला, तो मैं जा ही नहीं पाया। तो 2-3 बार से अब कंप्लेंट भी करना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ से कोई कार्रवाई होती नहीं है। हमारा करीब करीब 2.5 एकड़ का प्लॉट है, इसमें 4 बार बाउंड्री से कूद के अंदर और एक पर्टिकुलर केबल चोरी हुआ है जो कि बहुत ही हैवी ड्यूटी केबल आता है और करीब करीब उसकी कीमत 50,000 रुपये पर केबल की है। ऐसे 4 बार वही चोरी हुई है, वही केबल पर्टिकुलर जगह से आते हैं और लेके जाते हैं। केबल कम से कम 3 आदमी लगेंगे उठाने के लिए, 1 आदमी की बस की बात नहीं है। रात को गाड़ी का वहाँ पे कोई गश्त नहीं लगाता है, कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं आती है पुलिस। मेरे यहाँ पंजीकृत कंपनी के द्वारा 6 गार्ड लगे हुए हैं जिसमें रात को 3-4 गार्ड रहते हैं, दिन में 2 गार्ड रहता है। गार्ड एजेंसी हम 3री बार बदल रहे हैं, गार्ड रात को घूमता भी है बट जिस एरिया में है, अब रात को 2-3 बजे ज़रूरी नहीं है गार्ड उस जगह पर हो। जिस जगह से अंदर आते हैं वो इतने बेखौफ हैं कि कैमरे में क्लियर दिखते हैं कि आदमी आराम से घूम रहे हैं अंदर और घूमते हुए वहाँ से लेके जा रहे हैं। आज इंजीनियरिंग पार्क की हम लोग जिस जगह पे हम लोग सिचुएटेड हैं वो सबसे ज़्यादा रेंट हम भरते हैं, सबसे ज़्यादा प्रीमियम हम देते हैं पूरे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में। उसके बाद भी चारों साइड से इंजीनियरिंग पार्क खुला हुआ है, ना कोई गेट की व्यवस्था है ना कोई सुविधा ये हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। और 1 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, 5 बार हम थाने जा चुके हैं FIR कराने के लिए, FIR भी दर्ज नहीं हो रही उस बारे में।
वहीं एडिशनल एसपी नीरा पांडे ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखा जाएगा और बहुत जल्द चोरों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके संबंध में आईजी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था और इसमें आईजी महोदय ने जांच करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बहरहाल चोरी के मामले में रेंज के आईजी को शिकायत करने के बाद पुलिस महकमा किस प्रकार कार्य करता है और कार्रवाइयों को अंजाम देता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।